मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर, जहाँ ये इंदौर में है, इंदौर में मतलब ये साइड से नहीं है, यहाँ इंदौर के बीच में है। तो मैं अभी जाऊँगी वैष्णो माता मंदिर के अंदर, और यहाँ पर दुकानें वगैरह भी लगी हुई है, और दुकानें लगने के बाद इधर ये पूरा मंदिर देख सकते हो, वैष्णो मंदिर। देखा, ये पूरा वैष्णो धाम पूरा प्रिंटेड है, पूरा उससे जहाँ पर जाते ना वैष्णो धाम, वो वैसा ही है पूरा अंदर। तो गाइस मैं अभी आपको दिखाती हूँ अंदर का लोकेशन कैसा है। पूरा ये गुफा से घिरा हुआ है, मैंने सुना है कि पूरा पत्थरों से बना हुआ है वैष्णो धाम, वैष्णो धाम नहीं वैष्णो माता मंदिर। तो गाइस अभी मैं अंदर जाती हूँ। पहले तो अभी यहाँ पर ऐसा भी सुना है कि अपने बैग वगैरह मोबाइल सभी रखवा लेते हैं, अगर मोबाइल नहीं रखवाएंगे तो ये ब्लॉग पूरा मिलेगा, बाकी बैग तो रखवा भी लेंगे तो चलेगा। देखो गाइस, जय माता दी। अगर आप माता जी के भक्त हो तो एक कमेंट्स बनता है गाइस, जल्दी से करो कमेंट। तो गाइस पहले तो मैं यहाँ पर आके बैठी हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लग रहा है, धूप थोड़ी सुबह सुबह की खा लूँ, नहा के आई हूँ मंदिर, तो बहुत ठंड भी लग रही है, तो सोचा थोड़ा 5 मिनट यहाँ माता जी के मंदिर में बाहर बैठूँ फिर मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि अंदर तो पूरा गुफा से इतना ठंडा लगेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा लगेगा। बट माता जी के भक्त गाइस, यहाँ पर लिखा हुआ है वैष्णो, माँ वैष्णो देवी मंदिर। देखो मेरी चप्पल यहाँ पर रखती हूँ। यहाँ पर प्रसाद का है। तो गाइस अब मैं अंदर आ चुकी हूँ फाइनली मंदिर। यहाँ पर पूरा ऐसा है, एक गुफा है। गाइस देख सकते हो पूरा सॉन्ग वगैरह बज रहे और मैं यहाँ अंदर पे हूँ, मतलब अंदर से प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बिल्कुल बोलो जय माता दी। ठंडी लग रही है बहुत ज्यादा मेरे को तो। यहाँ पर हर कॉर्नर पे यहाँ पर माता जी का है। देखो गाइस मेरा बैग नहीं रखवाया है तो मैं अंदर भी लाई, यहाँ काफी मतलब छोटी सी जगह पे है। देखो इतनी छोटी सी जगह पे मैं निकल रही हूँ, और यहाँ पर गुफा देखो, यहाँ नीचे जाना है मेरे को माता जी के, यहाँ पर नीचे बहुत नीचे, अभी तो मैं ऊपर चढ़ रही हूँ। शायद ऐसा लग रहा है कि आरती हो रही है यहाँ पर माता जी की, आरती हो रही है गाइस। मैंने आरती भी ले ली है, अब हम जा रहे हैं आगे, और मैं किस्मत वाली कि मैंने मामा जी की आरती ली है, अब और आगे जा रहे हैं हम। यहाँ मैंने पानी भी फेंकता था नीचे, किधर जाना है यहाँ पर ना, खड़े खड़े नहीं जा सकते, खड़े नहीं जा सकते, तैसे जाते तभी मैं जा रही हूँ माता जी के दर्शन करने, घूटने के बल तभी मैं घूटने के बल ही जा रही हूँ। रास्ता है इधर से भी है और इधर से भी है, भी रास्ता है इधर, वहां का पूरा देख सकते। फिर यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है पूरा, मैंने माता जी के दर्शन कर लिए, मेरे को छोटी सी बिंदी भी लगाई है पंडित जी ने, और अब हम जा रहे हैं वापस इधर नीचे से। बहुत शानदार व्यू है गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, जा रहे जय माता दी, जय माता दी, ठंड भी लग रही, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, इधर बोलो जय माता दी, जय माता दी। शाह मेरे साथ रहते बाबा, ओम शायनाता ही नमः, ये प्रसाद है उनका, वे मैं प्रसाद उठा के खा लेते। जाती है देखो, यहाँ पर प्रसाद है,
तक की लाइन लगी रहती है। यहाँ से भक्त अंदर बाहर जाते हैं और यहाँ से बाहर भी निकलते हैं। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर निकल आई। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। प्रसाद भी मिल चुकी है। गाइस वैष्णो धाम कौन कौन आया है, वैष्णो धाम कौन कौन आया है वो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मेरे को धूप ज़्यादा लग रही है तो मैंने घूंघट कर लिया है और मेरा टिकट भी मिट गया है। अब मैं बाहर बैठी हूँ, अब आपको और आगे वीडियो मिलेगा पूरा। तो वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। और गाइस यहाँ का कैसा व्यू था अंदर वैष्णो माता जी का मंदिर का अंदर का कैसा लगा पूरा, तो वो भी कमेंट में बताना। और जो जो आए हुए हैं वो लोग भी ज़रूर करना। मेरे को घूंघट में तो कर रही हूँ, मेरे को ठंड लग रही है, मतलब धूप लग रही है। लग रहा होगा कि मैं चली गई बट मैं नहीं गई, मेरे को यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। और ऊपर से धूप लग रही तो मैं घूंघट कर लिया, क्योंकि सुबह की धूप मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बहुत सारों को तो सुबह सुबह की धूप पसंद रहती पर मेरे को पसंद नहीं है। मैंने घूंघट कर रखा था, आधे लोगों को लग रहा है कि ये दुल्हन नहीं कहाँ से आ गई इतनी छोटी से, पर मैं दुल्हन नहीं हूँ, दुर्गा डांसर हूँ। गाइस देखो माता जी का पूरा मंदिर, मेरे पीछे के व्यू से देख सकते हो। और ये मतलब ये ना यहाँ पर कॉलोनी में ही बना हुआ है पूरा मंदिर यहाँ पर। ये पर यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है, मैं बैठी हूँ ना बहुत देर से बैठी हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है। और अभी मैं घूंघट में ही हूँ, बहुत प्यारा व्यू लग रहा है यहाँ पर। तो और गाइस अभी आपको आगे का भी मतलब मिलेगा वीडियो, तो पहले ये बताओ कि मैं घूंघट में कैसी लग रही हूँ, अच्छी लग रही ना, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस मैं पता नहीं किधर हूँ, मेरे को बालों में लगाने के लिए पोनीटेल चाहिए था, तो पोनीटेल तो मिला ही नहीं। अब पैदल वापस जा रही हूँ बहुत टाइम से। और ऐसे ये मोबाइल पकड़ने वाले कैसे दिखते हैं घोर के, मैं नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो पता चला मेरा मोबाइल लेके भग गए। नहीं नहीं मेरे को बालों में लगाने के लिए पोनीटेल लेने गई थी पर नहीं मिला, पूरा बहुत घूम लिए वापस, इतनी बड़ी इंदौर में मिला ही नहीं, क्या करूँ।